अब हम लोग यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक को समझने से पहले हम लोग को थोड़ा सा बेसिक समझना होगा, तभी जाके हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, आपको पता है कि डीसी जनरेटर के बीच में हमारा क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, ये नॉर्थ हो गया और ये हमारा साउथ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, और इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर को प्लेस करते हैं, और इस कंडक्टर को हम लोग प्राइम मूवर की मदद से यहाँ से रोटेट करवाते हैं, ठीक है। और ये जैसे ही रोटेट करता है तो यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कट करता है, ठीक है, यानी फ्लक्स लाइन कट करेगा। फ्लक्स लाइन कट करने के कारण हमारा फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के कारण हमारा क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण इसके अंदर हमारा आई एम्पीयर का करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक प्रिंसिपल जनरेटर का। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम मैं बता देता हूँ। ये आर्मेचर है, अब इस आर्मेचर के अंदर हमारा पूरा पूरा चीज़ आता है, जैसे कम्यूटेटर हो गया, कॉइल्स हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंपली सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस क्यों होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वाइंडिंग कर रहे हैं, तो वाइंडिंग कर रहे हैं यानी वायर से वाइंडिंग करेंगे, तो वायर का अपना क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस यानी आर ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे इंडक्टेंस भी होगा, ठीक है। इंडक्टेंस को हम लोग एल ए से डिनोट करते हैं। इंडक्टेंस कैसे आएगा, इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, एक डीसी मशीन है। तो डीसी मशीन तो है ये, लेकिन आर्मेचर के अंदर जो भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण जो हमारा करंट फ्लो होता है कॉइल के अंदर, वो हमारा क्या होता है, एसी होता है, ठीक है, यानी अल्टरनेटिंग करंट होता है। और अल्टरनेटिंग करंट होने के कारण यहाँ पे वाइंडिंग किया हुआ है, तो वाइंडिंग होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, हमारा एल डी आई बाई डी टी जो हमारा इंडक्टेंस का प्रॉपर्टी है वो सिस्टम के अंदर अकर होगा, ओके। लेकिन हम लोग जो भी पढ़ेंगे, यानी जो भी बुक में दिया रहता है, बुक में हम लोग सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में ही रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर रेजिस्टेंस का भी, आई मीन रेजिस्टेंस के बारे में ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इंडक्टेंस को हम लोग नहीं लेके चलते हैं। तो जो भी हम लोग पढ़ते हैं ये स्टेडी स्टेट कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस को लेकर के चलेंगे, इंडक्टेंस को लेकर के नहीं चलते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा जानना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, यानी ये हमारा शाफ्ट हो गया, और ये जो शाफ्ट है ये हमारा कनेक्टेड होता है प्राइम मूवर से, यानी कपल्ड है प्राइम मूवर से, और ये हमारा इस तरह से प्राइम मूवर है जो कि इसको मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज जनरेट हो रहा है, यानी आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है फ्लक्स कट करने के कारण, इसको मान लेते हैं ई जी, ओके। और यहाँ से हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है ये है आई। अब देखिए, ये जो हमारा इंडक्टेंस है, ये इंडक्टेंस हमारे सिस्टम में कब आता है, जब भी हमारे इलेक्ट्रिकल साइड में यानी आउटपुट साइड में कोई भी चेंजिंग आएगा, ठीक है, यानी कोई भी चेंजमेंट होगा हमारा यहाँ पे, तब हमारे सिस्टम में एल डी आई बाई डी टी जो है अकर होगा, ठीक है। जैसे लोड यहाँ पे लगा हुआ है, मान लेते हैं आर एल हमारा लोड है, ठीक है। तो लोड को अगर हम लोग इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे तो हमारे सिस्टम में क्या होगा, इंडक्टेंस पैदा होगा, ठीक है, या फिर हमारा एक्साइटेशन चेंज होगा, या फिर वोल्टेज जो है यहाँ पे मान लेते हैं 200 वोल्ट है, तो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा, तो उसके कारण हमारा क्या होगा, इंडक्टेंस आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेडी स्टेट कंडीशन पढ़ेंगे। इंडक्टेंस हम लोग तभी पढ़ते हैं जब हम लोग डीसी मशीन का स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के रूप में अगर हम लोग को लिखना होगा तब हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे इंडक्टेंस को भी लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो आपको अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये था हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम डीसी जनरेटर का। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ। देखिए, किसी भी मशीन के अंदर, चाहे वो एसी हो या फिर डीसी हो, हम लोग को क्या चाहिए, एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड चाहिए यानी हम लोग को क्या करना होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे, इसको समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेशन, ठीक है। और एक्साइटेशन का डेफिनेशन होता है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग करंट इज कॉल्ड एक्साइटेशन, ओके। अब देखें यहाँ पे एक टर्म आ रहा है करंट, ठीक है। अब करंट का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, करंट
की मदद से अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं तो उस प्रिंसिपल को बोलते हैं हम लोग सोलेनोइड, ठीक है, सोलेनोइड प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी मैग्नेटिक कोर के ऊपर अगर हम लोग वाइंडिंग करते हैं और इस वाइंडिंग के अंदर अगर हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं इस तरह से, तो इसके आसपास में क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, डीसी जनरेटर के अंदर या फिर हमारा डीसी मोटर हो या फिर एसी कोई भी हमारा मोटर हो या फिर कोई भी हमारा जनरेटर हो, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए किस तरह से बनता है। मान लेते हैं ये टू पोल हमारा मशीन है, दो पोल का मशीन है ये, मान लेते हैं पोल पहला हुआ और ये हमारा दूसरा पोल हुआ। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से वाइंडिंग करेंगे पोल के ऊपर, और पहला जो तार है इसके साथ ये अटैच होगा और दूसरा इसका जो बाहर से निकल रहा है इसमें हम लोग करंट देंगे, ठीक है। इसमें हमारा आई एम्पेयर का करंट फ्लो होगा, वैसे ये नॉर्थ और ये साउथ और इसके बीच में हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। और इसके बीच में हम लोग कंडक्टर रखते हैं, फिर आर्मेचर जो हम लोग बोलते हैं उसको रखते हैं, प्लेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, करंट का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी फ्लक्स का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन होता है, ये जो कोर यूज़ कर रहे हैं इसका एक लिमिटेशन लिमिटेड वैल्यू होता है, यानी करंट का ऐसा नहीं है कि आप करंट को इंक्रीज़ करते जाएगा आपका फ्लक्स जो है बढ़ते जाएगा, नहीं, ये हमारा लिमिटेड पॉइंट होता है जहाँ तक ही हम लोग करंट को इंक्रीज़ करके फ्लक्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप कंटिन्यूसली करंट का वैल्यू इंक्रीज़ करते जाइएगा तो ये जो हमारा यहाँ पे कोर है ये क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, और सैचुरेट होने के कारण ये जो हम लोग वाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं इसका इंसुलेशन फेल हो जाएगा, इंसुलेशन फेल होने के कारण यहाँ पे प्लेन शॉर्ट सर्किट अकर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल रहा है कि करंट यानी फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के ऊपर, ओके। अब देखिए ये हमारा करंट जो है, जब हम लोग मशीन पढ़ेंगे तो इस करंट को बोलते हैं IF, IF कहने का मतलब फील्ड करंट, ठीक है, यानी फील्ड जनरेट करने के लिए जो भी करंट यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं IF, और IF हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के ऊपर, ठीक है। तो इसका पहला ग्राफ देखते हैं, ये फ्लक्स हो गया, ये हमारा IF हो गया, ठीक है, IF यानी फील्ड करंट। तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या होगा, एक लीनियर ग्राफ बनेगा यानी स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब हम लोग करंट का वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा कोर क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग नी पॉइंट, यानी नी पॉइंट तक ही हम लोग मशीन को क्या करेंगे, ऑपरेट करवाते हैं, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे मैक्सिमम, अगर इस पॉइंट पे हमारा 100% फ्लक्स है और इस पॉइंट पे जो हमारा रेटेड करंट है यानी फुल लोड रेटेड करंट मान लेते हैं यहाँ पे 10 एम्पीयर है, ओके। तो इसी के आसपास में जो है हमारा मशीन ऑपरेट होता है यानी काम करता है। इसके बाद में जो होता है ये हमारा क्या होता है, सैचुरेशन कर्व बोलिए, सैचुरेशन जोन बोलिए या फिर सैचुरेशन पॉइंट बोलिए, ठीक है। तो इसी के बीच में यानी इतना जो हमारा एरिया है इतना ही दूर में हमारा क्या होगा, हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ हुआ हमारा फ्लक्स और फील्ड करंट के बीच का। अब देखिए दूसरा जो ग्राफ है ये है हमारा ईजी, कहने का मतलब जनरेटेड ईएमएफ वर्सेस आईएफ यानी फील्ड करंट के बीच का। अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए अभी मैंने यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच में हम लोग कंडक्टर रखेंगे, यानी हमारा कंडक्टर प्लेस किया हुआ है और यहाँ से हम लोग रोटेट करवा रहे हैं। यानी यहाँ पे जो फ्लक्स का वैल्यू जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यानी फ्लक्स का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही हाई वोल्टेज यानी हाई ईएमएफ जो होगा इस कॉइल के अंदर इंड्यूस होगा, और हाई वोल्टेज यानी हाई करंट यहाँ पे इंड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको फिर से एक रिलेशन मिल रहा होगा, फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा जनरेटेड ईएमएफ के ऊपर, ठीक है। यानी अगर हम लोग फ्लक्स को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जनरेटेड ईएमएफ भी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे जो कर्व बनेगा ये भी हमारा क्या होगा, लीनियर बनेगा। ये मान लेते हैं ईजी हो गया और ये हमारा मान लेते हैं फ्लक्स, ठीक है। और यहाँ से आपको रिलेशन मिल रहा होगा कि फ्लक्स जो है यानी फ्लक्स जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आईएफ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं आईएफ, ओके। अब यहाँ पे फ्लक्स मान के चलिए आप या फिर आईएफ मान के चलिए, दोनों सेम है, ठीक है। इस केस में देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ईजी जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
फ्लक्स के ऊपर, पहला रिलेशन या तो इसको बोलिए या तो ई जी जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई एफ के ऊपर, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जो है हमारा सेम है, यानी दोनों जो है बात सेम है। तो यहाँ पे भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इस तरह से लीनियर कर्व बनेगा, उसके बाद एक पॉइंट के बाद ये क्या कर जाएगा, सेचुरेट कर जाएगा। तो इस पॉइंट को जो बोलेंगे, यहाँ पे भी अगेन ये हमारा नी पॉइंट है, और जो हम लोग जनरेटर या फिर मोटर जो भी यूज़ करेंगे इसके नीचे में ही यूज़ करेंगे या फिर इसी पॉइंट तक ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं 100% हमारा ई जी है, और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा आई एफ रेटेड है, यानी फील्ड करंट रेटेड। ओके, तो ये जो ग्राफ हुआ हमारा, इतना जो रीज़न हुआ, ये है हमारा ई जी वर्सेस आई एफ के बीच में, या फिर ई जी वर्सेस फ्लक्स के बीच में, ठीक है। और इधर हमारा है सैचुरेशन रीज़न या फिर सैचुरेशन कर्व। अब देखिए, जिस तरह से अभी मैंने इक्वेलेंट सर्किट डायग्राम समझाया आपको, ये हमारा आर्मेचर है, ये ब्रश हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, यानी आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होगा वो, और यहाँ से हम लोग ले रहे हैं आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे जनरेट हो रहा है ई जी, यानी आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है ई जी। अब देखें, यहाँ पे जब हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं, ठीक है, लोड यानी ये मान लेते हैं आर एल हमारा क्या है, लोड है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, यानी लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसको मान लेते हैं ई नॉट। अब सिंपल सी बात है, जो हमारा वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो रहा है, यानी एज्यूम कर लेते हैं ई जी बराबर है हमारा 200 वोल्ट, यानी इस आर्मेचर के अंदर 200 वोल्ट जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस भी है, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू कम हो जाएगा। यानी अगर ई जी हमारा 200 वोल्ट है, तो ई नॉट का वैल्यू हमारा या तो 190 वोल्ट होगा, या तो 180 वोल्ट होगा, या तो 170 वोल्ट होगा, ये डिपेंड करता है इस आर ए के ऊपर, यानी आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू क्या होगा, यानी ई नॉट जो है हमारा कुछ नहीं है ई जी, यानी टोटल वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है आर्मेचर के अंदर, माइनस आई ए इंटू आर ए, ठीक है। देयरफॉर ई नॉट ई जी इक्वल टू क्या होता है, फाइ जेड एन पी बाय 60 माइनस आई ए आर ए, ठीक है। यानी ये जो वोल्टेज होगा, ये हमारा वोल्टेज होगा लोड के अक्रॉस। अब देखिए, अब इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। ये मान लेते हैं ई जी है, और ये मान लेते हैं आई एफ है। सबसे पहले ई जी और आई एफ का जो हम लोगों ने अभी ग्राफ बनाया था, ये था, इसको मान लेते हैं ई जी, ठीक है। ये जो ग्राफ था, ये नो लोड पे था, ठीक है, यानी जब हम लोग कोई भी लोड नहीं लगा रहे थे। अब जैसे ही हम लोग ने लोड लगाया, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, वोल्टेज एक और आ गया, यानी न्यू टर्म आ गया ई नॉट। तो ई नॉट को जो भी रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ई नॉट का जो वैल्यू होगा, ये ई जी से कम होगा। और यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ दिया है, ठीक है, क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये वाला जो वैल्यू है, ये हमारा ई नॉट है, और इसके बीच में जो हमारा ये गैपिंग हो रहा है, यानी यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, ये है हमारा आई ए एन टू आर है, ठीक है। यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये है। तो ये हमारा ई जी वर्सेस आई एफ, और ई जी वर्सेस आई एफ नहीं, इसको ई नॉट कर दीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ई जी वाला हम लोगों ने पहले ही देख चुका है। अब देखिए, अब हम लोग एक मेन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा ई जी, और ये है हमारा आई एल। आई एल कहने का मतलब लोड करंट, ठीक है। तो ये हमारा हुआ ई जी वर्सेस लोड करंट का ग्राफ। अब इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ पे समझिए, जब हमारा यहाँ पे लोड नहीं लगा होगा, लोड नहीं लगा होगा कहने का मतलब हमारा ये आर्मेचर है, ये हमारा ब्रश हो गया, ये हमारा आर ए हो गया, और ये हमारा इस तरह से है, ठीक है। यानी लोड नहीं लगा हुआ है कहने का मतलब ये ओपन सर्किट है। तो जो वोल्टेज इस आर्मेचर के अक्रॉस जनरेट होगा, वही वोल्टेज इस टर्मिनल के अक्रॉस भी जनरेट होगा, ठीक है। तो नो लोड पे, यानी जब हमारा लोड नहीं लगा रहता है, तो ई जी इक्वल टू ई नॉट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है, ये दोनों तो सेम है ना, ई जी इक्वल टू ई नॉट कह सकते हैं हम लोग नो लोड पे। तो जो वैल्यू ई जी का होगा, वही वैल्यू हमारा ई नॉट का होगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ, मान लेते हैं ये हमारा नो लोड पे वोल्टेज है। अब देखिए, जैसे ही हम लोग यहाँ पे लोड कनेक्ट करेंगे,
तो लोड करंट कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ई नोट का वैल्यू क्या होगा हमारा, इस ई जी से वैल्यू से कम हो जाएगा, यानी ई नोट का जो वैल्यू होगा ये हमेशा छोटा होगा ई जी से। तो इसका जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा ये हमारा डाउन होगा, यानी ये हो जाएगा, ये हमारा ई नोट हुआ जब हम लोग लोड लगा रहे हैं मशीन के अंदर। तो ठीक है, अब इस ग्राफ को समझते हैं। देखें इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। एक पॉइंट है नो लोड पे, यानी ई जी इक्वल टू है हमारा ई नोट। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा 200 होगा 300 होगा जो भी होगा ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ये है हमारा लोड करंट यानी आई एल। अब देखिए जैसे ही हम लोग लोड लगाएंगे तो हमारा ये इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ये है हमारा ई नोट। देखिए जैसे जैसे हमारा लोड करंट इंक्रीज होगा, लोड करंट मान लेते हैं 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाते हैं, रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में फंक्शन हो जैसे शादी ये सब होता है तो लोड बढ़ाते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले यहाँ पे इस पॉइंट पे यानी 5 एम्पियर के लोड पे हमारा वोल्टेज क्या होगा, इस तरह से होगा, कुछ वैल्यू होगा, मान लेते हैं आप 180 वोल्ट था। ठीक है, अब फिर से आगे बढ़ा रहे हैं यानी लोड करंट हमारा बढ़ रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे ये 10 एम्पीयर का लोड लग गया। अब 10 एम्पीयर का लोड लगा तो यहाँ पे देखिए तो स्ट्रेट लाइन कीजिए तो वोल्टेज हमारा क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं 170 वोल्ट आया। फिर से बढ़ाइएगा यानी 15 एम्पीयर पे, तो 15 एम्पीयर पे देखिए तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो हमारा फिर से वोल्टेज क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। इसको मान लेते हैं 155 वोल्ट। ठीक है, यानी जैसे जैसे हमारा लोड इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारा ई जी जो है कमता है। ठीक है, यानी ई नोट जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लोड करंट पे। अब इसको ई नोट बोलिए या फिर ई जी बोलिए, ये आपके बेसिस पे है कि आप किस तरह से इसको माइंड में रखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारा बेसिक ग्राफ हुआ। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है एक्साइटेशन पढ़ेंगे और एक्साइटेशन के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, डीसी मशीन का जो टाइप्स है उसके साथ साथ हम लोग ये पूरा पूरा कर्व देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा सेपरेटली एक्साइटेशन। ठीक है, और एक्साइटेशन का मतलब मैंने बताया कि जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं, फिर प्रोसेस यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ। आर्मेचर हो गया, ये कारून ब्रश हो गया, ये हमारा यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया, ये हम पे टर्मिनल है हमारा आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा वोल्टेज जनरेट हो रहा है ई जी, तो यहाँ पे हमारा एक कॉइल लेते हैं, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिससे कि इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं। ये हमारा बैटरी से जो वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग इंडिकेट करते हैं आरएफ से। आरएफ कहने का मतलब फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आईएफ। आईएफ कहने का मतलब फील्ड करंट, और इसके अक्रॉस हमारा एक फ्लक्स जनरेट होगा फाई। ठीक है, ये हमारा आरए है। तो सेपरेटली एक्साइटेशन कहने का मतलब यहाँ पे जो हम लोग वोल्टेज सोर्स है फिर बैटरी जो यूज़ करेंगे अलग से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा सेपरेटली एक्साइटेशन, और इस मशीन को कहते हैं हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कर पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हम लोग करंट का वैल्यू यूज़ कर रहे हैं ये हमारा क्या एक तरह से कांस्टेंट होगा, यानी फील्ड करंट कांस्टेंट तो फ्लक्स हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, और इसके अक्रॉस जो हम लोग वोल्टेज ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये मान लेते हैं आईएफ है, और ये हमारा ई नॉट है, एफ ईजी है, जो बोलना है बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आईएफ और ई नॉट के बीच में ड्रॉ करेंगे, यानी ई कहने का मतलब हमारा जनरेटेड ईएमएफ, या फिर हमारा जो ई नॉट है ये भी हमारा एक तरह से जनरेटेड ईएमएफ ही है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, तो आपको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आईएफ पे, अभी मैंने रिलेशन बताया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा तो ये फिर सैचुरेट कर जाएगा यहाँ से इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं ई जी। ठीक है, ई जी कहने का मतलब ये वाला वोल्टेज, तो ये हमारा हो गया ई जी। ठीक है,
और इसी में अगर ई नॉट, ई नॉट कहने का मतलब वोल्टेज अक्रॉस लोड, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस लोड यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा आरएल के अक्रॉस, ये हमारा क्या ई नॉट है, मैंने नाम दिया स्टार्टिंग से ई नॉट। तो ई नॉट का वैल्यू जो होगा, अभी मैंने बताया कि ई नॉट का जो वैल्यू होता है ये हमेशा क्या होता है, छोटा होता है ई जी से, ठीक है। तो ई नॉट का अगर ग्राफ इसी में ड्रॉ करना होगा तो हमारा क्या होगा, ये इस तरह से थोड़ा डाउन जाएगा इस तरह से, है ना, स्ट्रेट लाइन जाएगा लेकिन ये डाउन जाएगा। तो ये हमारा हो गया ई नॉट, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसी के कारण, ठीक है। यानी ये हमारा आई ए इंटू आर ए ड्रॉप है, ओके। तो ये हमारा हुआ पहला ग्राफ। अब देखिए, यानी अगर ये हमारा नी पॉइंट है, इसको मान लेते हैं नी पॉइंट, तो ये इतना ही दूर में हमारा क्या होगा, काम करेगा। ये हमारा ई जी हो गया, यानी रेटेड ई जी, और ये हमारा रेटेड ई नॉट, ठीक है। यानी नो लोड पे हमारा वोल्टेज हमारा ई जी होगा, और जैसे ही हम लोग लोड लगाएंगे यानी रेटेड लोड यानी मैक्सिमम लोड, तो हमारा जो वोल्टेज होगा ये ई नॉट हो जाएगा, ठीक है। और अगर इससे आप नीचे आइएगा यानी इस पॉइंट पे, यानी यहाँ पे जो हमारा करंट का वैल्यू होगा ये हमारा रेटेड आई एफ होगा, रेटेड। और इसी के अंदर में यानी इतना जो रीज़न है हमारा, इसी के अंदर में हमारा मशीन पूरा पूरा काम करेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेपरेटली एक्साइटी मशीन के लिए, ठीक है, यानी अलग से जो भी हम लोग वोल्टेज सोर्स यूज़ करेंगे उसके लिए। अब देखिए, दूसरा जो एक्साइटेशन है हमारा ये है सेल्फ एक्साइटेशन, देखिए। सेल्फ एक्साइटेशन में क्या होता है, सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, ये हमारा कॉलम ब्रश है, ये आर्मेचर हो गया, यहाँ से हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे जो हम लोग फील्ड कॉइल यूज़ कर रहे हैं, इस फील्ड कॉइल को हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ एक्साइटेशन कहने का मतलब, यहाँ पे जो वोल्टेज यानी यहाँ पे जो करंट जनरेट हो रहा है, कुछ ना कुछ करंट जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये हमारा क्या, एक तो जनरेटर है, तो जनरेटर है तो ये हमारा क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा होगा। तो इस फील्ड करंट को यानी इस फील्ड को एक्साइट करने के लिए हम लोग सीधे सीधे यहाँ से इस टर्मिनल से क्या करते हैं, करंट का वैल्यू लेते हैं, ठीक है। इसके बीच में हमारा रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस होगा जिसको हम लोग आर एफ बोलेंगे यानी फील्ड रेजिस्टेंस। इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा ये हमारा आई एफ होगा, और यहाँ पे हमारा फ्लक्स होगा, और इसके अंदर जो जनरेटेड ई एम एफ होगा इसको हम लोग ई जी से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो हुआ हमारा क्या होगा, सेल्फ एक्साइटेशन यानी डी सी शंट जनरेटर, और इसका एक और नाम है शंट एक्साइटेशन, ठीक है, सेल्फ एक्साइटेशन नहीं तो फिर शंट एक्साइटेशन। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा फील्ड का, फील्ड करंट का जो वैल्यू होगा ये बहुत ही लिमिटेड होगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में है यानी शंट में कनेक्शन है, तो शंट में कनेक्शन यानी जो लोड के अक्रॉस करंट होगा वही करंट इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो इसके अक्रॉस जो करंट का वैल्यू होगा यानी आई एफ वैल्यू क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू वी बटा आर होता है, ठीक है। तो वी बटा आर कहने का मतलब हमारा ई नॉट, ई नॉट यही लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही हमारा वोल्टेज है ना, यहाँ पे पैरेलल है तो जो वोल्टेज इस आरएल के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज तो इस फील्ड के करंट यानी इस फील्ड के अक्रॉस भी होगा ना। तो आई एफ यानी फील्ड करंट बराबर ई नॉट डिवाइडेड बाय आर एफ, आर एफ कहने का मतलब जो फील्ड का हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो, ठीक है। तो अब देखिए, ई नॉट का जो वैल्यू है यानी लोड के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज है ई नॉट, इसका वैल्यू मैंने बताया था ई जी यानी जो हमारे यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो रहा है ये, माइनस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा यानी आई ए इंटू आर ए ड्रॉप, ठीक है। अब आपको पता है जो हमारा आई एफ है यानी फील्ड करंट का जो वैल्यू यही है, तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। आई एफ इक्वल टू ई नॉट बटा आर एफ, ई नॉट का वैल्यू हम लोग को ये दिया हुआ है, तो ई नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, पूरा वैल्यू लिखेंगे ई जी माइनस आई ए इंटू आर ए बटा आर एफ होगा। अब आई एफ इक्वल टू क्या होगा, इसको ब्रेक करते हैं एक बार, ई जी बटा आर एफ हो जाएगा माइनस आई ए इंटू आर ए बटा आर एफ होगा, ठीक है। यानी ये हमारा वैल्यू हुआ फील्ड करंट का, यानी इस फील्ड के अंदर जो करंट फ्लो होगा उसका। तो यहाँ पे देखिए, ये माइनस है, माइनस कहने का मतलब यहाँ पे
जो भी वोल्टेज होगा, यानी जो भी हमारे यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट हो रहा होगा, डिवाइडेड बाय जो हमारा रेजिस्टेंस है माइनस यहाँ पे ये जो आईए है, आईए कहने का मतलब लोड, ठीक है, यानी ये आईए यानी आर्मेचर करंट से जो फ्लो हो रहा है ये हमारा लोड करंट है। ये ध्यान दीजिए, आईए यानी हमारा लोड करंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोड करंट है, अगर हमारा लोड इंक्रीज होगा तो आर्मेचर के अंदर हमारा क्या होगा, करंट भी इंक्रीज होगा। लोड अगर इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो इतना जो वोल्टेज होगा यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगा, यानी ये देखिए तो करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आर्मेचर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पूरा टर्म क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। वही सेम चीज़ अगर लोड हमारा डिक्रीज होगा तो करंट यानी आई का वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगा, आई का वैल्यू डिक्रीज होगा तो ये भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी ये पूरा पूरा जो टर्म है इतना दूर का, ये पूरा पूरा लोड पे डिपेंडेंट है, ठीक है। यानी लोड बढ़ेगा तो ये वैल्यू भी बढ़ जाएगा, लोड घटेगा तो ये वाला वैल्यू भी घट जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे माइनस है, माइनस कहने का मतलब अगर ये मान लेते हैं टोटल अगर 5 है और ये मान लेते हैं अगर 2 है तो बचेगा कितना, 3 बचेगा, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू हमारा आईएफ का कमते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फील्ड करंट का जो वैल्यू होता है बहुत ही वीक होता है, बहुत ही पुअर होता है, और पुअर होने के कारण क्या होता है, जो हमारा फ्लक्स जनरेट होगा ये भी बहुत ही क्या होता है, पुअर होता है, ठीक है, यानी बहुत ही वीक होता है। अब वीक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक तरह से जो भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण, और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण जो हमारा करंट का वैल्यू होगा ये भी हमारा क्या होगा, बहुत ही वीक होगा या फिर पुअर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कभी भी वेरिएशन होगा लोड के ऊपर यानी लोड के अंदर तो हमारा क्या होगा, फील्ड का भी वेरिएशन होगा, यानी फील्ड करंट भी हमारा इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा, यानी चेंज होगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो यही मेन रीज़न है शंट जनरेटर के लिए कि जो इसका वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन इसका बहुत ही पुअर होता है। वोल्टेज रेगुलेशन इसका कितना से कितना वैरी करेगा, तो ये 15% टू 20% जो है वैरी करता है, ठीक है, फॉर शंट जनरेटर, ठीक है। लेकिन वही जब हम लोग इसको सेपरेटली एक्साइटेशन वाला पढ़ रहे थे, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, उसमें क्या था, हम लोग अलग से सोर्स यूज़ कर रहे थे, यानी अलग से बैटरी यूज़ कर रहे थे, नहीं हमारा जो फील्ड करंट था ये कांस्टेंट था, नहीं ये लोड पे डिपेंडेंट नहीं था, तो जो हमारा फ्लक्स होगा ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कभी भी चेंजिंग नहीं होगा, इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं होगा फ्लक्स के अंदर। तो इस मशीन का यानी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है ये हमेशा क्या होगा, हमेशा लेस देन 10%, ठीक है, फ्रॉम नो लोड यानी NL नो लोड टू फुल लोड, ठीक है, ये भी हमारा फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है DC संट का, और ये हमारा सेपरेटली एक्साइटेशन का। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा, जो भी हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है ये डिपेंड करता है किस पे, IF पे, IF यानी फ्लक्स पे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग का लास्ट है कंपाउंड एक्साइटेशन, और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी तक जो भी संट एक्साइटेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा था, संट एक्साइटेशन में जो हमारा फील्ड करंट था यानी आईएफ का जो वैल्यू था ये क्या था, ये था हमारा ईजी डिवाइडेड बाय आरएफ माइनस आईए इनटू आरए डिवाइडेड बाय आरएफ, ठीक है। यानी ये जो हमारा टर्म आ रहा था यहाँ पे, ये टोटली क्या था, लोड के ऊपर डिपेंडेंट था, यानी लोड अगर हमारा इंक्रीज होगा तो ये आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा, और आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, यानी आईए इंक्रीज होगा, आईए इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा यानी ये जो वैल्यू होगा ये इंक्रीज हो जाएगा, यानी इससे जो है हमारा माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू हमारा कम हो जाएगा। कहने का मतलब अगर इसका वैल्यू 20 है और इसका वैल्यू अगर मान लेते हैं फर्स्ट टाइम में 5 है तो नेट कितना बचेगा हम लोग के पास, 15, यानी 15 एम्पियर आईएफ होगा। दूसरे केस में ये हमारा तो फिक्स है 20,
यहाँ पे मान लेते हैं लोड बढ़ा, तो लोड बढ़ेगा तो हमारे ये आर्मेचर करंट यानी आईए का वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगा। आईए अगर इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी ये 10 एम्पियर मान लेते हैं, यानी 10 हो गया तो नेट कितना बचेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 10 एम्पियर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा करंट का वैल्यू जो है, यानी फील्ड करंट का जो वैल्यू है, ये टोटली डिपेंड करता है लोड के ऊपर। जिस तरह से हमारा लोड वेरी करेगा उस बेसिस पे हमारा फील्ड जो है चेंज होता है। तो यहाँ पे हमारा जो फील्ड है यानी फ्लक्स, ये हमारा क्या होगा, वेरी होगा। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड एक्साइटेशन। कंपाउंड एक्साइटेशन में होता क्या है, इसमें हम लोग सिंपली दो वाइंडिंग करेंगे फील्ड के लिए, यानी दो फील्ड यूज़ करेंगे। सबसे पहले सीरीज फील्ड, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा शंट फील्ड, ठीक है। सीरीज फील्ड को हम लोग फाई एस सी से डिनोट करेंगे, फाई एस सी कहने का मतलब सीरीज फील्ड फ्लक्स। दूसरा है हमारा शंट फील्ड, तो इसको लिखेंगे हम लोग फाई एस एच से, ओके। अब मैं यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ किस तरह से ये हमारा होता है। ये हमारा क्या है, आर्मेचर है, ये हमारा ब्रश हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, सीरीज में थिक वायर का लेस नंबर ऑफ टर्न्स का एक वाइंडिंग होगा, और यहाँ पे हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस जो पहले से था इस तरह से होगा। ये है हमारा आउटपुट टर्मिनल, और यहाँ पे एक और वाइंडिंग करेंगे, ये हमारा थिन वायर का होता है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये क्या सीरीज़ है, तो सीरीज़ में जो करंट का वैल्यू होगा यानी हमारा हाई होगा, आई का वैल्यू हाई होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे थिक वायर यूज़ करते हैं और लेस नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ करेंगे। और यहाँ पे सेम इसका अपना रेजिस्टेंस होगा आरएफ फील्ड रेजिस्टेंस, इसको यहाँ से हम लोग आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो करंट होगा इसको मान लेते हैं आई एस एच यानी शंट फील्ड करंट, ठीक है। इसके अंदर जो करंट होगा ये हमारा होगा आइए मान लेते हैं इसके क्रॉस जो करंट होगा ये हो जाएगा, जो सीरीज़ है तो वही करंट जो यहाँ से रिलीज होगा वही करंट हमारे यहाँ से जाएगा, ठीक है, आउटपुट टर्मिनल। अब देखिए अगर आप अभी सीरीज़ फील्ड को भूल जाइएगा, ठीक है, इसे आप भूल जाइए, ठीक है, यानी इसको अगर मैं यहाँ से इस तरह से छुपा लूँ तो ये हमारा पूरा क्या एक तरह से शंट एक्साइटेशन वाला फिगर बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या जान रहे थे, आईएफ का जो वैल्यू था, आईएफ का वैल्यू यही वाला था जो मैंने लिखा था, आईएफ इक्वल टू क्या था हमारा, ईजी डिवाइडेड बाय आरएफ माइनस आईए इनटू आरए बाय आरएफ, ठीक है। यानी ये इतना शंट के लिए हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो हमारा एक और यहाँ पे वाइंडिंग है, यानी इसके कारण भी हमारा क्या होगा, एक फ्लक्स जनरेट होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस ये हो जाएगा हमारा फाई एस सी आई एल, ठीक है। अब ये कैसे हुआ इसको समझते हैं। देखिए इसके अक्रॉस जो करंट होगा यानी लोड करंट होगा जो हमारा आई ए है, आई इक्वल टू आई एल लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स होगा यानी फाई एस सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे, आई एल पे, यानी लोड करंट के ऊपर डिपेंड होगा। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे लिखा गया है फाई एस सी इंटू आई एल, ठीक है। इसको मैंने बस इसलिए लिखा है ताकि यहाँ से आपको पता चल जाए ये हमारा सीरीज फ्लक्स है, ओके। यानी कंपाउंड में जो भी हमारा फ्लक्स होगा इसे हम लोग लिखेंगे फाई इक्वल टू फाई एस एच प्लस फाई एस सी, ठीक है। अब देखें ये हमारा कंपाउंड एक्साइटेशन था। अब इस कंपाउंड के अंदर हमारा डिफरेंट डिफरेंट जो है टाइप्स आता है, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये कैसे कंपनसेट करता है, शंट एक्साइटेशन में क्या प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ पे जो हमारा ये वैल्यू था ये यहाँ पे माइनस में था, यानी हमारा जो भी मेन करंट होगा इसमें से हमारा क्या हो रहा है, लोड के कारण इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग ये जो सीरीज फील्ड लगा रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे रखते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा, यहाँ पे मान लेते हैं 5 आया, ठीक है, और इसका जो वैल्यू आया इसका भी 5 आया, ठीक है। यानी यहाँ पे जो सीरीज फील्ड का नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे यानी वाइंडिंग का जो नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे इस तरह से रखते हैं कि जो यहाँ पे वैल्यू आए वही चीज़ यहाँ पे वैल्यू आए, ठीक है। तो ये हमारा माइनस है और ये हमारा पॉजिटिव है, तो ये पूरा पूरा टर्म क्या होगा, अपने आप को कैंसिल आउट कर देगा, यानी ये माइनस और ये प्लस, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद जो हमारा मेन फील्ड बचेगा यानी फील्ड करंट बचेगा ये सिर्फ हमारा ई जी बाय आर एफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग
सीरीज़ वाइंडिंग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग इसको इलिमिनेट कर सकें, यानी इस पोर्शन को इलिमिनेट कर सकें। अब देखिए, अब यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी हमारा कैंसिल आउट हो गया, यानी ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया, बचा सिर्फ हमारा ये वाला पोर्शन। और ये वाला पोर्शन जो है हमारा सेम था किसके बराबर, ये भी हमारा था सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ठीक है। यानी जो वैल्यू हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के अंदर था फील्ड करंट का, वही वैल्यू हमारा क्या होगा कंपाउंड में भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फील्ड लगाते हैं जिसके कारण हमारा ये पूरा पूरा क्या हो जाता है, फील्ड करंट का जो वैल्यू होगा वो हमारा इम्प्रूव हो जाता है। अब देखते हैं, अब इस कंपाउंड एक्साइटेशन में तीन तरह का जनरेटर होता है, ठीक है। सबसे पहला है हमारा डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी जनरेटर, दूसरा है हमारा फ्लैट कंपाउंड डीसी जनरेटर, और तीसरा होता है हमारा ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर, ठीक है। ये तीन तरह का जो है हमारा जनरेटर इस कंपाउंड एक्साइटेशन के अंदर आता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी जनरेटर, इसमें क्या होता है इसको समझने से पहले हम लोग इसको समझते हैं, फ्लैट और ओवर को समझते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, अभी कंपाउंड एक्साइटेशन में हमारा IF का क्या रिलेशन था, ये था हमारा EG बाय RF माइनस IA इंटू RA बाय RF, ठीक है, प्लस फाइ सीरीज IL, ठीक है। अब हम लोग इस रिलेशन की मदद से हम लोग वोल्टेज के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज के रूप में कहने का मतलब, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये हमारा आर्मेचर है, ये ब्रश है, यहाँ पे हमारा क्या है वाइंडिंग होगा सीरीज वाइंडिंग, ठीक है। ये हमारा RA है, यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल है, और यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं लोड, ठीक है। ये RA लोग हैं, यहाँ पे एक हमारा संट भी होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा, और ये इस तरह से कनेक्टेड होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा फाई SC हो गया और यहाँ पे हमारा फाई SH हो गया, ये हमारा EG हो गया। अब देखिए, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होगा, यानी आर्मेचर के पास जो वोल्टेज जनरेट होगा वो यहाँ पे लोड के अक्रॉस वोल्टेज नहीं होता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं हम लोग E0, ठीक है। तो E0 का रिलेशन मैंने बताया था, E0 इक्वल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज यानी EG माइनस इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा, यानी IA इंटू RA, ठीक है। ये हमारा रिलेशन था, तो इसी रिलेशन यानी इसी वोल्टेज को लेकर के हम लोग यहाँ चलेंगे। देखिए, E0 इक्वल टू EG माइनस IA इंटू RA। अब EG इक्वल टू हम लोग को पता है फाइ जेड एन पी बाय 60 माइनस IA इंटू RA। अब आपको एक चीज़ और पता है, फ्लक्स जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I पे, I कहने का मतलब फील्ड करंट पे, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा डिज़ाइन से लिख रहे हैं, यहाँ पे जेड एन पी बाय 60, और इस फ्लक्स को मैं बाहर लिख रहा हूँ, फ्लक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, IF लिख सकते हैं, तो इस बेसिस पे मैं IF लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस IA इंटू RA। अब देखिए, E0 इक्वल टू जेड एन पी बाय 60, और IF का वैल्यू कंपाउंड के लिए क्या था हमारा, ये वाला, ये रिलेशन हम लोग को पता है, तो IF का जो वैल्यू है यहाँ पे इसको हम लोग पूरा पूरा पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा EG डिवाइडेड बाय RF, यहाँ पे आप देखते रहिए वही मैं लिख रहा हूँ, माइनस IA RA डिवाइडेड बाय RF प्लस फाइ SE इंटू IL, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, उसके बाद हमारा ये माइनस है, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ मैं, माइनस IA RA। अब ये इंटू में है तो इसको इंटू करते हैं, तो ये जेड पी बाय 60 इंटू EG बाय RF होगा, माइनस फिर से जेड एन पी बाय 60 इंटू
आई ए आर ए बाय आर एफ, फिर प्लस है तो प्लस जेड एन पी बाय 60 इंटू फाई एस ई आई एल, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा माइनस है आई ए इंटू आर ए। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा टर्म को मैं कांस्टेंट मान ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मानते के वन इंटू ई जी हो जाएगा, यानी ये पूरा जितना मैंने सर्कुलर में घेरा है ये कांस्टेंट है, के वन से मैंने इंडिकेट किया है। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमारा कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग के टू मान लेते हैं, के टू इंटू क्या हो जाएगा आई ए, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे अगेन इतना को मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा के थ्री इंटू फाई एस ई आई एल, माइनस लास्ट में जो है हमारा आई ए इंटू आर ए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा क्या आई ए है और इस वाले पोर्शन में भी हमारा आई ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो के वन ई जी हो जाएगा जैसे था वैसे ही, माइनस आई ए कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा के टू, और यहाँ पे बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आर ए, और बाकी का ये प्लस के थ्री फाई एस ई आई एल, ठीक है। यानी ई नॉट बराबर, ई नॉट कहने का मतलब जो हमारे पास लोड के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है हमारा इतना दूर का, इसको हम लोग इस तरह से डिज़ाइन करते हैं मशीन के अंदर कि आपस में क्या होता है कैंसल आउट कर देता है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस है, अगर इसका वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं 10 है और इसका वैल्यू मान लेते हैं, यानी माइनस 10 है इसका वैल्यू मान लेते हैं प्लस 10 है, तो हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो जो वोल्टेज बचेगा ये बचेगा हमारा ई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ई नॉट इक्वल टू हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा के वन इंटू ई जी वन, ठीक है। यानी ई नॉट इक्वल टू ई जी, और इसको कहते हैं फ्लैट कंपाउंड डीसी जनरेटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है ई नॉट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज हमारा आर्मेचर के अंदर जो जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसके जो आप कर्व बनाइएगा, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे हमारा ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा ई जी हो जाएगा, और ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। ये वोल्टेज का ग्राफ है, और इसको मान लेते हैं फील्ड यानी आई एफ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आई एल होगा, लोड के बीच में हो रहा है ना आई एल, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्राफ होगा यानी जो वोल्टेज होगा एकदम स्ट्रेट होगा, कांस्टेंट होगा, और इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैट ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर, आई मीन फ्लैट कंपाउंड डीसी जनरेटर, ठीक है। अब देखिए, ओवर में क्या होता है, ओवर कंपाउंड का कहने का मतलब जो हमारा ई नॉट होगा इसका वैल्यू ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ई जी से, ठीक है। यानी ई नॉट हमारा बड़ा होगा ई जी से। तो इस कंडीशन को कैसे अचीव करते हैं, देखिए ये जो हमारा मेन रिलेशन आया था, ये ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ पेन से, ये जो हमारा मेन रिलेशन था, यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है सीरीज़ का, ठीक है, ये सीरीज़ वाला जो वैल्यू है हमारा, सीरीज़ फ्लक्स यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो है, यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ठीक है। यानी इंक्रीज्ड फ्यू मोर नंबर ऑफ टर्न्स टू कॉम्पेंसेट आई ए आर ए ड्रॉप, ओके। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग इंक्रीज कर देंगे, और इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका वैल्यू आ गया 12 और इसका वैल्यू आ गया 10, ठीक है। तो हमारे पास फिर भी क्या बचेगा, प्लस में 2 बचेगा जो कि इसके साथ ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा ई नोट का जो वोल्टेज ग्राफ होगा ये इस तरह से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर। अब जो हमारा लास्ट है ये है डिफरेंशियली, इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी जनरेटर। देखिए
इसमें हम लोग जो हमारा फ्लक्स है, ठीक है, फ्लक्स यानी जो हमारा फाई एस एच यानी संट फ्लक्स, यहाँ पे जो सीरीज फ्लक्स पहले ऐड हो रहा था यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। उस बेसिस पे हमारा जो मेन फ्लक्स होगा, जैसे संट में जो हमारा फ्लक्स आया इसका मान लेते हैं 10 वेबर है, और सीरीज के कारण जो फ्लक्स आया इसका मान लेते हैं 8 वेबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट फ्लक्स बचेगा ये क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 2 वेबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स होगा बहुत ही वीक होगा, वीक कहने का मतलब बहुत ही कम होगा, और फ्लक्स कम होगा तो हमारा जो वोल्टेज होगा या फिर ई जी होगा या फिर ई नॉट होगा वो भी हमारा बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, संट फील्ड यानी जो भी हमारा फ्लक्स है उसको सीरीज फ्लक्स के साथ माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा हो कि ये सब हम लोग प्लस माइनस कैसे करते हैं, ठीक है, यानी उसमें प्लस कर रहे थे इसको इसमें माइनस कर रहे हो, कैसे होता है। तो देखिए, ये पहला मान लेते हैं पोल है हमारा, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग वाइंडिंग कर रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस पर हम लोग सबसे पहले वाइंडिंग करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या था, यहाँ पे मैं फिर से एक डायग्राम बना देता हूँ, ये आर्मेचर था, इसके क्रॉस हमारा सीरीज फील्ड आर्मेचर रेजिस्टेंस, उसके बाद ये हमारा संट फील्ड था, इस तरह से कनेक्टेड था ये, ठीक है। इसमें देखिए ये है हमारा फाई एस सी यानी सीरीज फ्लक्स, और ये है हमारा फाई एस एच। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये संट में है, संट में यानी पैरेलल में है, तो पैरेलल में हम लोग वाइंडिंग करते हैं। ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारा कारून ब्रश है, अब ये दोनों पे वाइंडिंग हो गई, अब हम लोग को बस कनेक्शन करना है। ये यहाँ से वायर जा रहा है, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं इस टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहाँ से हम लोग वायर जाएगा और ये सीधे यहाँ पे आके कनेक्ट होगा, ठीक है। ये टर्न इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, फिर ये हमारा जो है यहाँ से नीचे की तरफ आएगा और ये हमारा इसमें आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट का जो पोर्शन है, यहाँ से हम लोग वायर निकालेंगे और ये वाला वायर जो है इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। यानी ये जो हुआ ये हमारा क्या है, शंट फ्लक्स यानी वाइंडिंग जो है ये हमारा पैरेलल है, यानी ये वाला वाइंडिंग मैंने इस तरह से दिखाया है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग को सीरीज वाइंडिंग भी करना है, तो सीरीज वाइंडिंग देखिए कैसे करेंगे। अब सीरीज के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक पेन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा सीरीज है, नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा कम ही होगा, इसलिए मैं यहाँ पे दो ही वाइंडिंग दिखा रहा हूँ, ठीक। इसी तरह इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे भी हमारा दो नंबर ऑफ टर्न्स होगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट लीजिए, सीधे यहाँ पे आके ज्वाइन कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो वायर निकलेगा यानी ये वाला जो पोर्शन आएगा, यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, एक आर ए है यानी लोड रेस्ट आई मीन आर्मेचर रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस यहाँ पे लोड भी लगाएंगे, ठीक है। अब हमारा ये क्या होगा, इस तरह से आएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ, इस तरह से यहाँ पे ऐड होगा। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन आ रहा है यानी यहाँ से जो पोर्शन निकलेगा वायर का, ये सीधे आकर के इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ब्लैक वाला जो है हमारा, ये है फाई एस सी, और ये ब्लू वाला जो है ये हमारा फाई एस एच, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, एक संट के लिए और एक हमारा सीरीज के लिए, ठीक है। अब देखिए ऐड कब होगा, यानी फाई एस सी प्लस फाई एस एच कब ऐड होगा, ये तभी ऐड होगा जब दोनों का पोलरिटी जो होगा सेम होगा। कहने का मतलब अगर ये प्लस है और ये माइनस है, ये भी हमारा प्लस है माइनस है, इधर से फ्लो होगा हमारा, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा ये ऐड होगा, ठीक है। और डिफरेंशियली के लिए मैंने क्या बताया था, मेन फ्लक्स जो होता है ये था हमारा किसके लिए, ओवर कंपाउंड और फ्लैट कंपाउंड के लिए, और ये है हमारा डिफरेंशियली के लिए, डिफरेंशियली के लिए यानी फाई एस एच माइनस फाई एस सी। ये जो माइनस आएगा कब होगा, जब हम लोग इसका पॉलरिटी जो होगा चेंज होगा, यानी इंटरचेंज करेंगे इसका, जस्ट हम लोग वाइंडिंग का जो कनेक्शन होता है वहाँ पे चेंज कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे हमारा माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है, जिससे हमारा मेन फ्लक्स जो होगा वीक हो जाएगा, और मेन फ्लक्स वीक होगा इसका मतलब हमारा फ्लक्स वीक हो गया तो हमारा जो वोल्टेज है या फिर ई नॉट है भी हमारा वीक हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसको हम लोग सिंपली यूज़ करते हैं
डीसी वेल्डिंग जहाँ पे करते हैं हम लोग, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, यानी इसका एप्लीकेशन है डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी जनरेटर का, वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हम लोग को करंट का वैल्यू क्या करना होता है, लिमिट करना होता है, यानी शॉर्ट सर्किट करंट लिमिट करने के लिए, ठीक है। अब लास्ट में एक ओवरऑल मैं यहाँ पे ग्राफ बता देता हूँ। ये हमारा ईजी है, यानी जनरेटेड ईएमएफ वर्सेस लोड करंट, यानी आईएल। ये है हमारा फ्लैट, ठीक है। फ्लैट जब होगा तो यहाँ पे ईजी इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट होगा इस केस पे, ठीक है। ये है हमारा फ्लैट के लिए। ओवर कंपाउंड के लिए ये ऊपर हो जाएगा, यानी ई नॉट जो होगा ये ग्रेटर होगा ईजी से। उसके बाद आएगा हमारा सेपरेट एक्साइटेशन, सेपरेट, ये आ गया हमारा सेपरेट एक्साइटेशन के लिए, ठीक है। ये सेपरेट हो गया, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। उसके बाद हमारा शंट होगा, तो शंट और भी पुअर होगा इस तरह से, ये फॉल करेगा, ये हमारा शंट। उसके बाद लास्ट है हमारा डिफरेंशियली, डिफरेंशियली इस तरह से पुअर होगा, पूरा डाउन हो जाएगा, डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी जनरेटर, ठीक है। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डीसी जनरेटर के लिए, और यहाँ पे ये पूरा लेक्चर ख़त्म हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।